हेलो बडीज, वीडियो टैबलेट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर हरिओम कंगवार और मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए जो आपकी बायोलॉजी एनसीईआरटी उसका रिवीजन बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी तक वीडियो टैबलेट की सीरीज में 14 चैप्टर्स हम अपलोड कर चुके हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यूनिट नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये 10 चैप्टर हो गए और प्लांट फिजियोलॉजी के 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिवाइज करने जा रहे हैं। क्लियर? अब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है। अभी चैप्टर में टॉपिक्स क्या क्या हैं, चलिए एक बार जरा टॉपिक्स जान लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, दैट इज ग्रोथ। यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बताया गया है, ग्रोथ के बारे में चैप्टर 1 में और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी ग्रोथ में बात कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट। तीसरा टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर, से इनको प्लांट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, प्लांट हार्मोन्स। चौथा जो टॉपिक है बेटा, ये हो जाएगा आपका फोटोपीरियोडिज्म हो जाएगा। चौथा पांचवा जो टॉपिक है बेटा, ये हो जाएगा वर्नेलाइजेशन। और जो छठा टॉपिक आपका होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका सीड डॉर्मेंसी। अब इन सभी टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन हार्मोन में 5 ग्रुप आपको पढ़ने हैं। देखिए, ग्रोथ हो गया, यहाँ ज़्यादा सवाल बनता नहीं चैप्टर में। डेवलपमेंट से कभी कभार सवाल आता है, फोटो पीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, डॉर्मेंसी से कभी कभार सवाल आता है, लेकिन हार्मोन से तो सवाल आता ही आता है। मतलब कहते हैं सवाल आते हैं, हार्मोन से 2-3-4 सवाल आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते समय इसी टॉपिक को सबसे ज़्यादा आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है? इस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है? PGR को पढ़ते समय सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अगर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। ये ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन 2 प्रोसेस का सम होता है, मतलब ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन को मिला के ग्रोथ कहा जाता है। अब ग्रोथ है क्या? दिस इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज। यानी अगर इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज हो रहा तो उसे ग्रोथ कहेंगे। जैसे एक लीफ है, अब इस लीफ का जो साइज है ये इंक्रीज हो गया, लेकिन ये इंक्रीज परमानेंट है। एक बार लीफ का साइज बढ़ गया तो घटेगा नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ग्रोथ का नाम देंगे। अब अगर ड्राई वुड है बेटा, तो ड्राई वुड का टुकड़ा अगर पानी में डाल दो तो पानी को एब्जॉर्ब करके उसका साइज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर इस लकड़ी के टुकड़े को आप फिर से धूप में डाल दें तो फिर से इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल इंक्रीज नहीं, ये इम्बाइबिशन है बेटा, ये ग्रोथ नहीं। इसको क्या कहेंगे? इसको इम्बाइबिशन के नाम से जानते हैं। तो इम्बाइबिशन के बारे में हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? अब देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं जो ग्रोथ होती है बेटा, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड या डिटर्मिनेट होती है या डेफिनेट होती है, यानी पर्टिकुलर एज तक होती है। लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट में अनलिमिटेड, इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनेट या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ पाई जाती है, यानी पूरे लाइफ टाइम तक ग्रोथ कर सकते हैं। और उसका रीज़न भी आप जानते हैं, रीज़न क्या है बेटा? इन प्लांट में मेरिस्टम पाए जाते हैं और मेरिस्टम की वजह से ये लाइफ टाइम तक ग्रो कर सकते हैं। अब प्लांट में जो ग्रोथ होती है बेटा, वो 2 तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है? प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ होती है बेटा, सभी प्लांट में होती है, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में अगर आप देखें तो जिम्नोस्पर्म और डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है? प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात की जाए तो सेकेंडरी ग्रोथ में बेटा प्लांट की मोटाई बढ़ती है, इंक्रीज इन थिकनेस और गर्थ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है बेटा, वो प्राइमरी मेरिस्टम यानी एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम से होती है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टम यानी लैटरल मेरिस्टम से होती है, जिसमें वैस्कुलर कैम्बियम आते हैं और कॉर कैम्बियम आते हैं।
वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम ये दो सेकेंडरी मेरिस्टम होते हैं जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके अब प्लांट की जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है। मेजरेबल मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको ग्रोथ को हम नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं? देखो अगर प्लांट में ग्रोथ होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है कि प्रोटोप्लाज्म की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, यानी प्लाज्मेटिक ग्रोथ इसे कहा जाता है ना। प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी जब भी प्लांट में ग्रोथ होगी। अब जैसे सेल के नंबर से मेजर कर सकते हैं, जैसे मेज की एक सेल, मेज की एक रूट एपिकल मेरिस्टम सेल एक घंटे में 17,500 नई सेल बना रही है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही बेटा, दिस ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी सेल के नंबर के इंक्रीज होने से ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। ये डेटा आपको याद करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा जैसे पत्ती है, पत्ती का जब साइज बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इन डाइकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ में हम प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं सरफेस एरिया के द्वारा। वाटरमेलन की सेल अपना जो साइज है 3.5 लाख गुना बढ़ा लेती है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन साइज के द्वारा हम ग्रोथ को नाप सकते हैं। तो इंक्रीज इन नंबर से, इंक्रीज इन सरफेस एरिया से, इंक्रीज इन साइज से। इसके अलावा पॉलन ट्यूब की बात करें बेटा, तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो लेंथ के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू ओवरी तक जाती है, और यहाँ पर जो ग्रोथ है उसको हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से ग्रोथ को मेजर करते हैं, कहीं पर नंबर के द्वारा, कहीं पर एरिया के द्वारा, कहीं पर साइज के द्वारा, कहीं पर लेंथ के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। अब ग्रोथ फेजेस कौन कौन, तीन फेज होते हैं, फेज फेज फेज, फेज। बात करें मेरिस्टमैटिक जोन में होंगी और मैचुरेशन फेज वाली सेल मैचुरेशन जोन में होंगी। मेरिस्टमैटिक फेज में जो सेल होंगी वो रैपिडली सेल डिवीजन करती है, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उनमें बहुत बड़ा और स्पष्ट न्यूक्लियस होता है। इनकी सेलवाल प्राइमरी होती है, मतलब उनमें सेलुलोज होता है, और इनमें बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन पाए जाते हैं। इलोंगेशन फेज में जो सेल होती है उनमें वैक्यूलेशन बढ़ जाता है, यानी वैक्यूल का साइज बढ़ जाता है, नया सेलवाल मटेरियल डिपॉजिट करता है और सेल का इनलार्जमेंट हो जाता है। मैचुरेशन फेज की बात करें बेटा, तो मैचुरेशन फेज में सेल अपने मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेती है। इसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होते हैं और इनकी जो सेलवाल होती है वो सेलवाल फाइनली यहाँ पर इस पर कुछ और चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें डिपॉजिट से लिग्निन अगर डिपॉजिट हो गया तो सेल की डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं ग्रोथ रेट की बात करते हैं। ग्रोथ रेट की अगर हम देखें यहाँ पर, तो ग्रोथ रेट का मतलब इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। दो तरह की ग्रोथ प्लांट में है, एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक, दो तरह की ग्रोथ हो गई। एरिथमेटिक ग्रोथ कहाँ होती है? रूट इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन में एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ ज़्यादातर होती है, मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन, और प्लांट में ज़्यादातर ऑर्गन इसी ग्रोथ को फॉलो करते हैं। क्या अंतर दोनों में? देखिए अंतर ये है कि एरिथमेटिक ग्रोथ में जब एक सेल डिवाइड करना शुरू करती है, जैसे एक सेल है, इस एक सेल ने डिवाइड किया, दो सेल बनाई इसने, तो दो सेल जब बनाई तो एक सेल में डिवीज़न करने की कैपेसिटी ख़त्म होगी, दूसरी सेल डिवाइड करेगी। इसने डिवाइड करके फिर दो सेल बनाई, ये जो दो सेल बनी बेटा, इन दो सेल में एक सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, एक सेल डिवाइड करती रहेगी। यानी जब भी एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगी तो एक सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन ज्योमेट्रिक ग्रोथ में अगर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है तो दोनों सेल में डिवीजन करने की कैपेसिटी, फिर दो से चार सेल बनेंगी तो चारों में डिवीजन करने की कैपेसिटी, चार से आठ सेल बनेंगी सभी में डिवीजन करने की कैपेसिटी है। ओके अब देखिए जरा एरिथमेटिक ग्रोथ को देखिए, तो इसका जो फॉर्मूला है LT इज इक्वल टू एल नॉट प्लस RT हो जाएगा, ठीक है। LT क्या है? ग्रोथ आफ्टर टाइम T, एल इज द इनिशियल ग्रोथ, R इज द ग्रोथ रेट, एंड T इज द टाइम फॉर ग्रोथ, ठीक है। ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बात करें बेटा, तो यह है WT इज इक्वल टू W नॉट E टू पावर RT, या W1 इज इक्वल टू W नॉट E टू पावर RT। WT या W1 जो होता है वेट आफ्टर टाइम T, वेट हो सकता है, साइज हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेंथ हो सकती है। W नॉट इज द वेट एट टाइम जीरो, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। R इज द ग्रोथ रेट, T इज द टाइम, एंड E इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉग, जिसकी वैल्यू होती 2.7128।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखो बेटा, तो एरिथमेटिक ग्रोथ जो होता है बेटा, यहाँ पर आपको लीनियर कर्व मिलता है। ये देखो, यहाँ पर लीनियर कर्व मिलता है। और जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है बेटा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ जो कर्व होता है वो सिग्मोइड या एस शेप का होता है। और सिग्मोइड कर्व में तीन फेज होती है, एक होती लैग फेज, दूसरी होती लॉग फेज और तीसरी होती स्टेशनरी फेज। लैग, लॉग और स्टेशनरी तीन फेज यहाँ पर पाई जाती है। जो लैग फेज होती है बेटा, यहाँ पर ग्रोथ कम होती है, ये भी आपके नीट में पूछ चुका। मैथमेटिक में लीनियर कर्व बनता है, लीनियर कर्व बनता है। ज्योमेट्रिकल में एस या सिग्मॉइड कर्व बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बेटा, अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट के बारे में। ठीक, क्या अंतर है दोनों में? जो एब्सोल्यूट, यहाँ इस पर लेकिन जो डिपेंड स्क्वायर, और एक हफ्ते के बाद इसका साइज हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एब्सोल्यूट इसका निकालेंगे वो चेंज इन साइज, चेंज कितना हुआ, 10 में से 5 घटा दो, पहले 5 था बाद में 10 हो गया, चेंज कितना हुआ 5 का, और समय कितना है 1 वीक का है, तो बाई 1 टाइम, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक आ गया। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट जब निकालोगे तो चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज, तो चेंज कितना हुआ 5, कितना था सेंटीमीटर, यानी 1 यहां पर आएगा, यानी 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट है। ठीक, दूसरी लीव जिसका साइज पहले था 50 स्क्वायर, एक हफ्ते बाद 55 हो गया, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट निकाले बेटा, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट चेंज अपॉन टाइम, तो चेंज यहां पर 5 का ही हुआ है, यानी लीव का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हो बराबर है। लेकिन ग्रोथ रेट अगर इसलिए 0.1 आएगा, यानी 10% की ग्रोथ हुई, यानी दोनों का जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो अलग अलग है, और ए लीफ का रिलेटिव ग्रोथ रेट बी में ज्यादा। आपको यहाँ पर दोनों का जो एब्सोल्यूट रिलेटिव जो ग्रोथ है वो एक दूसरे से, और जो छोटी लीफ है जिसका सरफेस एरिया पहले कम था उसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर, ग्रोथ के बारे में। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन के बारे में, क्या अंतर है तीनों में। देखो, कोई मेरिस्टमैटिक, मेरिस्टमैटिक सेल मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल है, और इसमें सेल डिवीजन करने की क्षमता है, ये डिवाइड करके नई सेल बना रही है। अब नई सेल जो बनी बेटा, अगर ये नई खत्म करने लगे तो कहेंगे काम करने लगे, डिवीजन करने की क्षमता सीएट। अब जो डिफरेंशिएटेड सेल है बेटा, डिफरेंशिएटेड सेल लिविंग भी हो सकती हैं और डेड भी हो सकती हैं, है ना। जैसे अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल की बात करें जाइलम में, तो जाइलम में जो ट्रैकीड और वेसल होती हैं बेटा, ये डेड होती हैं, लेकिन जो पैरेन्काइमा होती हैं वो लिविंग होती हैं। तो जाइलम की ट्रैकीड और वेसल, जिनको ट्रैकरी एलिमेंट कहते हैं बेटा, ये डिफरेंशिएट हो गई हैं वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने के लिए। अब आते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब पैरेन्काइमा सेल जो कि लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल है, इनमें डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये डिफरेंशिएशन हो चुका है इनमें, लेकिन डिफरेंशिएट हो चुका, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी ग्रोथ में फिर से डिवीजन करने की कैपेसिटी आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, अगर किसी सेल में डिवीजन करने की क्षमता और डिवीजन क्षमता आ गई, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, तो पैरेंट डी डिफरेंशिएट होके सर्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन कर। क्लियर। अब जो वैस्कुलर कैम्बियम है बेटा, वैस्कुलर कैम्बियम ने सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। अब जो सेकेंडरी जाइलम और ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी में डिवीजन करने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, यानी डिवीजन करने की क्षमता अगर खत्म हो जाए, डी डिफरेंशिएटेड सेल इसे कहते हैं री डिफरेंशिएशन। कुछ बात समझ में आई? हमने और सेकेंडरी और में डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो तीन फिल्म
हो गया डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट की बेटा है ना, ग्रोथ में प्रोटोप्लाज्म की मात्रा डिफरेंशिएशन होता है, उसे डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। अब आते हैं प्लास्टिसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लास्टिसिटी का सवाल आपके नीट 2022 भी पूछा गया है। क्या होता है कि प्लांट अलग अलग कंडीशन में, जैसे मतलब कि पत्तियां पाई को, अब इस प्लांट में आप अलग दिखाई दे तरह की, ये लीफ अलग तरह की, तो हेट्रो दिखाई फिली मतलब लीफ। अब हेट्रोफिली दो डिपेंड लाइफ एनवायरनमेंट हैबिटेट फेज ऑफ लाइफ के, हेट्रोफिली कोरिएंडर पर की बहुत इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट डिपेंड करती है, वो बटर में सारे पेलेंसियार आपको दिए भी गए हैं, ठीक है। अब डेवलपमेंट में दो चीजें होती है बेटा, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट परफेक्ट एक्सटेंड फैक्टर डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, गैसेस, ये सारी है ना, मिनरल्स आ जाएंगे। इंट्रिंजिक फैक्टर में बेटा, इंट्रिंजिक फैक्टर इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर जाएंगे, और यही हम पढ़ने जा रहे हैं मेनली हमारे सिलेबस में इंटरसेलुलर। तो इंटरसेलुलर को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फाइटो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यही सबसे मेन टॉपिक है, इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे भी जाते हैं, तो हम इन्हीं को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को तो ग्रोथ कहते हैं इन्हें, या फाइटो हार्मोन कहते हैं। अब देखो कैटेगरी हार्मोन या साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिस। जो ऑक्सिन होता है बेटा, इंडोल के इंडोल कंपाउंड, जिब्रेलिन, डेरिवेटिव टर्पिनोइड, यूरिन या एनिन के डेरिवेटिव होते हैं, इथाइल तो गैस पीजीआर और एब्सिसिक एसिड टर्पिनोइड डेरिवेटिव, और आपके नीट 2000 में भी सवाल पूछा जा चुका है। अब यहां पर एक नीट 2000 में आया था 20 में, ये कैरोटिन का सवाल पूछा गया था, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पांचों आप याद करेंगे। अब पीजीआर जो होते हैं बेटा, ये प्लांट ग्रोथ दो तरह, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर में ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन आ जाएंगे, इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन आ जाएगा। देखो दोनों आ रहा है, इनहिबिटर होता दोनों कैटेगरी फिट हो रहा है, लेकिन मेनली अब तो डिस्कवर सभी 5 पीजीआर की, 5 पीजीआर है हमारे पास में, पांचों पीजीआर की जो डिस्कवरी है बेटा वो एक्सीडेंटल है, चांस डिस्कवरी जिसे आप कहते हैं। जैसे ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन के ऑब्जर्वेशन के साथ में। कोलियोप्टाइल और ऑफ कैनरी ग्रास, कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल के ऊपर जब लाइट डाली गई तो जिधर से लाइट डाली गई बेंड हो गया, लाइट सोर्स की तरफ ये बेंड हो जाता है, पता चला कि जो सेडेड है, जो जिधर लाइट नहीं है, जिधर अंधेरा है, उधर की ऑक्सीजन ज्यादा बना, और ऑक्सीजन ज्यादा बनने से सेल की ज्यादा हुई और लाइट की तरफ मुड़ जाता है। एफडब्ल्यू वेंट ने आइसोलेट किया ऑक्सीजन को कहां से, ओट सीडलिंग, सीडलिंग मतलब अंकुर, ओट के अंकुर के कोलियोप्टाइल से एफडब्ल्यू वेंट ने इसको आइसोलेट किया था। जिब्रेलिन की बात करें बेटा तो कुरुसावा नाम के साइंटिस्ट ने बैकेन डिजीज का पता लगाया। जिब्रेला फ्यूजी कोराई नाम का फंगस होता है जो कि ड्यूटेरोमाइसिट का मेंबर होता है, और ये राइस सीडलिंग में बैकेन डिजीज कॉज करता है, राइस सीडलिंग में बैकेन डिजीज कॉज करता है। यहां लिख देते हैं बैकेन डिजीज, जिब्रेलिन
को रिलीज करता है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम का फंगस, जो बैकएंड डिजीज या फूलिस सीडलिंग ऑफ राइस कॉज करता है। फूलिस सीडलिंग ऑफ राइस नाम की डिजीज कॉज करता है। तो इस डिजीज पे एक्सपेरिमेंट करने से हमें जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में पता चला। इसके अलावा साइटोकाइन की बात करें बेटा, तो साइटोकाइन के बारे में स्कोगन मिलर ने पता लगाया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट में काइनेटिन टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो काइनेटिन है ये सॉरी एनिमल में काइनेटिन टर्म यूज करते हैं, प्लांट में काइनेटिन नहीं होता, वहां पर जिएटिन नाम का हार्मोन पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड की बात करें, एक अभी क्वेश्चन आपके नीट में पूछा भी गया था कि जो काइनेटिन टर्म है, ये काइनेटिन टर्म किसके द्वारा यूज किया गया, तो स्कोगन मिलर के द्वारा। आपके नीट में सवाल पूछा जा चुका है, नीट 2020 में पूछा गया था कि काइनेटिन टर्म किसने दिया, तो काइनेटिन टर्म स्कोगन मिलर के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड 1960s में तीन अलग अलग हार्मोन के बारे में साइंटिस्ट को पता चला, एब्सिसिन टू, इनहिबिटर बी और डॉर्मिन। बाद में पता चला कि भैया तीनों हार्मोन एक ही हैं और इनको एब्सिसिक एसिड के नाम से अब जाना जाता है। इथाइलिन की बात करें, तो एचएच कजिन्स नाम के साइंटिस्ट ने 1910 में देखा कि अगर हम पके हुए संतरों के साथ में कच्चे केलों को रख देते हैं तो कच्चे केले जल्दी पक जाते हैं, और यहां से हमें गैसियस पीजीआर इथाइलिन के बारे में पता चला। अब यहां पर जो हार्मोन के रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी हार्मोन के रोल आपको याद करने हैं। जैसे ऑक्सिन की बात करें, तो ये ऑक्सिन नाम के वर्ड से डराइव हुआ, इसका मतलब टू ग्रो, यानी ऑक्सिन जो होता है बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सिन की बात करें, तो इसको पहली बार आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से पहली बार इसको आइसोलेट किया गया। ऑक्सिन की बात करें बेटा, तो ऑक्सिन नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है, मतलब हमने इसको बनाया भी है। नेचुरल में क्या जाएगा, इंडोल एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। सिंथेटिक में NA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको चारों नाम याद करने हैं ऑक्सिन के। अब ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है रूट टिप पे बेटा, और सूट टिप पे इसकी सिंथेसिस होती है। रूट टिप और सूट टिप पे सिंथेसाइज होता है। काम क्या है इसके, प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ये पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी क्या है, जाइलम डिफ्रेंसिएशन कराता है। डिफ्रेंसिएशन अभी पढ़ा के आ रहे हैं। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल बनाने में मदद करता है लेग्यूमिनस प्लांट में। 2,4-D हर्बिस पीडी होता है, और वीट को डेवलप करने के लिए ये इनिशिएट करता है रूटिंग को इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में रूट, जैसे आपने देखा गुलाब या गुड़हल की डाली लगाते हैं, काटकर उसमें रूट अपने आप निकल आती, तो ये ऑक्सिन इनिशिएट कराता है। इसके अलावा ये एपिकल डोमिनेंस कॉज करता है। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि टिप पे ज्यादा बनता है इसलिए बढ़ता है, और एक्सिलेट है। तो क्या करता है किसान, टिप को काट ले, चाय इससे क्या होता है घना होता जाता है। झाड़िया प्लांटेशन एपिकल को रिमूव, और साइटोकाइनिन हार्मोन भी एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का काम करता है। तो चाहे डिकैपिटेशन कर दो, चाहे साइटोकाइनिन लो, एपिकल डोमिनेंस ओवरकम, डोमिनेंस ऑक्सिन करता है। एपिकल डोमिनेंस को खत्म करने के लिए डिकैपिटेशन करते हैं, यानी जो एपिकल बड है उसको रिमूव कर देते हैं। अलावा प्रमोट एंड फ्रूट ड्रॉप एट लेट स्टेज, इसमें ये फॉर फ्रूट ड्रॉप को प्रमोट है, लेकिन प्रिवेंट करता है लीफ और फ्रूट ड्रॉप को अर्ली स्टेज में, यानी जब फल और पत्तियां नए होंगे तो उनको गिरने से रोकेगा, और जब फल और पत्तियां पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, पत्तियां के पकने का मतलब यार ये है ना कि वो पत्ती पीली पड़ जाएगी, तो उनको प्लांट से गिरा देगा, गिराने में मदद करेगा। अब आते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बेटा, अरे यार साइटो, अरे यार बाबा, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स की बात करें बेटा, तो जिब्रेलिन में अभी तक 100 से ज्यादा हार्मोन इस ग्रुप में खोजे जा चुके हैं, और इन सभी हार्मोन को एक साथ मिला के जिब्रेलिन कहते हैं। इनके नाम GA1, GA2, GA3, GA4, सोन रखा गया। अब जो GA3 है,
ये सबसे ज़्यादा स्टडीड फॉर्म है और इसी को जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, GA3 को जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। सभी जिब्रेलिन एसिडिक नेचर के, तो नाम ही जिब्रेलिक एसिड है तो एसिडिक तो होगा ही यार। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, ये स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये अगर कोई जेनेटिकली डॉर प्लांट, जैसे स्मॉल टी है, जेनेटिकली डॉर प्लांट है, इसकी लेंथ को भी ये इंक्रीज कर देगा। अब चूंकि लेंथ को इंक्रीज करता है या स्टॉक की लेंथ को इंक्रीज कर देता है, और इसीलिए इसका यूज करते हैं कहाँ पर, स्टॉक ऑफ ग्रेप, यानी जो अंगूर की बेल होती है बेटा, उसके स्टॉक या इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा चूंकि स्टॉक या स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है, इसलिए शुगर केन क्रॉप में इसका यूज़ करते हैं। शुगर केन फूड को कहाँ स्टोर करता है, ये फूड को स्टोर करता है स्टेम में, और स्टेम की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। यानी जिब्रेलिन को अगर शुगर केन क्रॉप पे छिड़क दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती 20 टन पर एकड़। एक एकड़ में 20 टन की पैदावार बढ़ जाती है जिब्रेलिन को छिड़कने की वजह से, क्लियर। एप्पल की बात करें तो एप्पल का सेप इम्प्रूव करता है और उनमें इलोंगेशन कराता है, जिससे मार्केट पीरियड एक्सटेंड होता है, ठीक है। और डिले करता है सेनेसेंस को, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापे को डिले करता है। ये चाहता है कि प्लांट पेड़ पे ज़्यादा देर तक बाबा जी, एप्पल जो है फ्रूट है वो प्लांट पे ज़्यादा देर तक लगा रहे, जल्दी ना गिरे, और जल्दी नहीं गिरेगा तो किसान ज़्यादा देर तक मार्केट में बेच पाएगा, ज़्यादा समय तक, इसीलिए कहते हैं एक्सटेंड मार्केट पीरियड, क्लियर। कॉनिफर्स की बात करें बेटा, तो कॉनिफर में जैसे पाइनस और सिड्रस आ जाता है, तो कॉनिफर में ये क्या करता है, ये मैच्योरिटी पीरियड को हैस्टन कर देता है। मतलब ये चाहता है कि भैया जो कॉनिफर के सीड होते हैं उन सीड को खाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इन सीड को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, कई साल लग जाते हैं, तो कॉनिफर पे अगर छिड़काव कर दिया जाए तो उनमें ज़्यादा जल्दी सीड मैच्योर हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी उनको हम खाने के लिए बेचने के लिए यूज कर सकते हैं। सब फ़ायदा ही फ़ायदा है बाबू भैया, ठीक है। अब देखो ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये माल्टिंग प्रोसेस को इंक्रीज करता है, ब्रेवरी इंडस्ट्री, ब्रेवरी क्या, शराब उद्योग, तो शराब उद्योग में माल्टिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। और साथ ही साथ शुगर बीट हो गया, चुकंदर जिसको आप कहते हैं ना, या फिर कैबेज की बात करें, और जो प्लांट रोजिट हैबिट के होते हैं यानी झाड़ीदार जो होते हैं, उनमें ये बॉल्टिंग कराता है। बॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से पहले इंटरनोड बहुत लंबे हो जाते, इसे बॉल्टिंग कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर दो चीज़ याद रखना, बॉल्टिंग एंड माल्टिंग, मैंने ऐसे याद रखा था कि जिब्रेलिक एसिड बॉल्टिंग एंड माल्टिंग कराता है ना, बॉल्टिंग भी करा रहा है और माल्टिंग प्रोसेस भी करा था, माल्टिंग एंड बॉल्टिंग एक साथ, माल्ट एंड बॉल्ट। अब आते हैं साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। ये टर्म साइटोकाइनेसिस से आया है, और साइटोकाइनेसिस तो आप जानते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ना। अब जो काइनेटिन है बेटा, काइनेटिन डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय स्कोग एंड मिलर। काइनेटिन की बात करें, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम हेरिंग स्पर्म डीएनए, मतलब मछली के स्पर्म में डीएनए से इसको आइसोलेट किया गया था। काइनेटिन नेचुरली प्लांट में नहीं पाया जाता, प्लांट में जब खोज की गई तो जिएटिन मिला कोकोनट मिल्क और कॉर्न कर्नल के अंदर, कॉर्न मतलब मक्के में और कोकोनट मिल्क मतलब नारियल पानी में जिएटिन नाम का साइटोकाइनिन मिला। क्या काम है, डिले लीफ सेनेसेंस, ये लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है, और बोरान आप जानते हैं से मदद करता है। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने का काम करता है। अब आते हैं इथाइलीन, इथाइलीन एक गैसियस PGR है, ठीक है। और ये क्या कराता है, राइपनिंग, इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है राइपनिंग, और राइपनिंग के समय जब फल पकते हैं तो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक के नाम से जानते हैं। ये इनिशिएट करता फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में, नीट 2022 में पूछा गया है, ये पाइनएप्पल में इनिशिएट करता है इथाइलिन, और प्रमोट कौन करता है, प्रमोट करता है ऑक्सिन, दोनों सवाल आपके नीट 2022 में पूछे जा चुके हैं। इथाइलिन प्रमोट पिटियोल और इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, डीप वाटर राइस प्लांट में, यानी अगर धान का खेत है पानी ज़्यादा भर गया तो इंटरनोड का इलोंगेशन करा देगा। अब जो किसान यूज करता है इथाइलिन को, तो इथाइलिन गैस है तो किसान इथेफोन के नाम से इसको यूज करता है, इथेफोन क्या करता है, इंक्रीज फीमेल फ्लावरिंग इन ककम्बर, ये भी नीट 2022 का सवाल था। राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल, टोमेटो एप्पल में राइपनिंग कराता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, तो
इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। ये एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड के, एंटागोनिस्टिक मतलब जिसका काम अपोजिट हो। तो एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड एंटागोनिस्टिक हैं, दोनों का काम एक दूसरे से अपोजिट है। ये स्टोमेटल क्लोजर कराते हैं, प्रमोट करते हैं सेनेसेंस को, बुढ़ापे को सेनेसेंस करते हैं, जबकि बुढ़ापे को रोकता कौन है, साइटोकाइनिन। ये सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करते हैं, सीड मैचुरेशन को प्रमोट करते हैं, ये प्लांट को स्ट्रेस से बचाते हैं, क्योंकि स्टोमेटल क्लोजर अगर कर देंगे तो वाटर का जो लॉस है वो कम हो जाएगा। अब आते हैं फोटो पीरियडिज्म, अगला टॉपिक है बेटा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। प्लांट पे लाइट की ड्यूरेशन का जो प्रभाव है उसी को फोटो पीरियडिज्म का नाम कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा तीन तरह के प्लांट हैं, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है शॉर्ट डे प्लांट और एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट पे बेटा लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट की अगर बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट किसे कहते हैं, देखो एक होता है क्रिटिकल फोटो पीरियड। क्रिटिकल फोटो पीरियड उसे कहते हैं जितने समय की लाइट चाहिए प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से, ध्यान से सुनिएगा, अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा लाइट मिलने पर प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, कम लाइट मिलने पर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, दैट इज लॉन्ग डे प्लांट। मतलब 8 घंटे से ज़्यादा लाइट मिली फ्लावरिंग हुई लॉन्ग डे। अगर 8 घंटे का क्रिटिकल पीरियड उससे कम लाइट मिली फ्लावरिंग हो गई तो शॉर्ट डे, ज़्यादा मिले तो फ्लावरिंग ना हो। बहुत आसान बात है बेटा, देखो क्रिटिकल फोटो पीरियड वो टाइम है जितना टाइम चाहिए प्लांट को लाइट का फ्लावरिंग करने के लिए। मान लो 8 घंटे का क्रिटिकल पीरियड है, अगर 8 घंटे से ज़्यादा लाइट मिलने पर फ्लावरिंग हो, 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाइट दो फ्लावरिंग हो जाए लॉन्ग डे प्लांट, 8 घंटे से कम लाइट देने पर 6 घंटे 7 घंटे 5 घंटे लाइट दो फ्लावरिंग हो जाए शॉर्ट डे प्लांट, और 8 घंटे लाइट दो 10 घंटे दो 20 घंटे दो 12 घंटे दो 4 घंटे दो, मतलब लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। अब प्लांट को पता कैसे चलेगा कि कितनी देर लाइट मिल रही है, कौन लाइट का परसेप्शन करता है, तो लाइट का जो परसेप्शन जो महसूस करता है वो लीव्स होती साइट ऑफ परसेप्शन, ये भी आपके नीट में पूछा जा चुका है। अब आते हैं वर्नलाइजेशन, इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन एंड इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन ऑन फ्लावरिंग इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। अब जैसे वीट राइट और बार्ली की बात करें, ये एनुअल क्रॉप है, इनमें दो तरह की वैरायटी हैं, विंटर और स्प्रिंग वैरायटी होती है बेटा, है ना। सुगर बीट कैरेट और कैबेज की बात करें, ये बाइनियल होते हैं बेटा, और ये जो बाइनियल होते हैं, बाइनियल प्लांट की अगर बात करें तो बाइनियल प्लांट में पहले सीजन में क्या करते हैं, पहले सीजन में बेटा ये वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और दूसरे सीजन में फ्लावरिंग करते हैं। तो फ्लावरिंग करने से पहले इनको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर जिब्रेलिक एसिड वर्नलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है, क्लियर। चलिए बेटा अब लास्ट टॉपिक है हमारा सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी की अगर बात करें तो सीड डॉर्मेंसी के जो कॉजेज हो जान लेते हैं। सीड डॉर्मेंसी के कॉज हो सकते हैं इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनहिबिटर ये पूछा जा चुका आपके, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, ये 3 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये केमिकल इनहिबिटर है जो सीड डॉर्मेंसी का कारण है। इसके अलावा इमेच्योर एम्ब्रियोज, ये भी सीड डॉर्मेंसी का कारण हो सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेज, इनहिबिटरी सब्सटेंस यही एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, नीट 2020 में पूछा जा चुका है, रिमूव्ड बाई, करें इनहिबिटरी सब्सटेंस का प्रभाव कैसे रिमूव करते हैं, तो सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन, नीट में आ चुका है। चिलिंग मतलब सीड को ठंडा कर दिया जाए, या फिर एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल, कौन से केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रेट एंड जिब्रेलिक एसिड। नाइट्रेट और जिब्रेलिक एसिड केमिकल सीड डॉर्मेंसी को ओवरकम करने में यूज होते हैं, और ये जो एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड है बेटा, ये सीड डॉर्मेंसी का कारण है। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने कवर कर दिए, करीब आधे घंटे का टाइम लगा इसमें। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली यूनिट, दैट इज़ द ह्यूमन फिजियोलॉजी की शुरुआत करेंगे, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कल उनकी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ में। जय हिंद।